My name is Aaradhana Pandey and I study in class 7. Today is my activity is cooking and I am cooking Maggie and I am showing now the ingredients used in a Maggie. So see the ingredient. So this is the green chili. This is turmeric powder. This is red chili powder. This is salt. This is one chopped onion. And there is two chopped green chilies. And there is an oil. And there is our Maggi and their masalas. So friends, ab main isme oil dal rahi hun. Bas abhi hum filhal itna hi oil dalenge. Ab hum isme green chili dalenge. अब हम इसमें ओनियन डालेंगे अब हम इसे चलाएंगे अब हम इसे भूजते रहेंगे जब तक ये थोड़ा रेड ना हो जाए गाइस ये अभी अच्छे से रेड नहीं हुआ है तो हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे सो फ्रेंड्स अब हम इसे ढक देंगे अब हम इसे दो मिनट तक ऐसे ही रखेंगे फिर हम इसमें पोटैटो डालेंगे सो फ्रेंड्स अब हम इसमें टोमेटो डालेंगे और हम इसे दो मिनट तक ऐसे ही चलाएँगे सो फ्रेंड्स अब हम इसमें रेड चिली पाउडर टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट डालेंगे और अब हम इसे चलाएंगे दो मिनट तक हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे फ्रेंड्स अब हम इसमें एक कप पानी डालेंगे हम चाहें तो थोड़ा और भी ले सकते हैं बस अब हम पानी इसमें नहीं डालेंगे और अब हम इसमें मैगी मसाला और मैगी डालेंगे पहले हम इसे थोड़ा चला लेंगे अब हम इसमें अपने तीनों मसाला डालेंगे अब हम सो फ्रेंड्स अब हम इसमें मसाला डालेंगे सो गाइस अब हमारा सूप रेडी है अब हम इसमें अपना तीनों मैगी डालेंगे हम इसे कढ़ाई डालेंगे हम इसे नहीं तोड़ेंगे और अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके सो फ्रेंड्स हम इसे पलट रहे थे अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और अब हम इसे एक प्लेट से ढक देंगे अब हम इसे पाँच मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे तो फ्रेंड्स अब हम इसे हटा रहे हैं अब हम इसे चलाएंगे थोड़ा हम इसे अलग करेंगे ऐसे ही ऐसे ही हम इसे पाँच मिनट तक ऐसे ही करते रहेंगे ताकि ये अलग अलग हो जाए सो फ्रेंड्स अब हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे बस थोड़ा सा ही डालना है ज़्यादा नहीं डालना है और अब हम इसे चलाएंगे हमारा मैगी बहुत अच्छा दिख रहा है और अब हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे और अब हम इसे चलाएंगे और हमारा मैगी एकदम तैयार हो गया है अब हम इसे दो मिनट ऐसे ही चलाते चलाते फिर उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे गाइस मैंने गैस ऑफ कर दिया है सो अब मैं सूप वाला नहीं बनाऊंगा आप सूप वाला भी